देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यादगार बनाने अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार की मंशा अनुरूप 13 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष तथा समाज सेवी राजेश पाठक ने 1,51,000 रुपए का चेक कलेक्टर को सौंपा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पाठक ने बताया कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में लोकसभा तथा राज्यसभा सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, साथ ही हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको आपके माध्यम से पूरे जिले को, प्रदेश को, पूरे देशवासियों को मालूम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही दिल्ली में तिरंगा यात्रा पूरे हमारे पार्लियामेंट मेंबर, जितने सांसद लोग हैं और मंत्री गणों ने एक साथ बाइक रैली निकालकर इस तिरंगे के सम्मान में एक रैली दिल्ली में भी निकाली। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश भर में, हमारे ज़िले भर में हर घर तिरंगा फहराए, घर घर तिरंगा फहराए, ये एक प्लानिंग काफ़ी समय से चल रही है और इसके संदर्भ में दो चार बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें हमारा जिले का प्रशासन और हमारे राजनैतिक, हमारे नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण और पूरे जिले के शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी और सामाजिक संस्थाएं, खेल संस्थाएं, सारे लोग मिलकर घर घर तिरंगा फहराने की मुहिम में लग गए हैं। उसी मुहिम को और ज़्यादा गति देने और उसको सफल बनाने के उद्देश्य से आज हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के पास 1,51,000 रुपए की भेंट स्वरूप सहायता राशि उसमें चेक के रूप में प्रदान की है, ताकि ये जो झंडे वगैरह पूरे ज़िले में बन रहे हैं, पूरे नगर में बन रहे हैं, घर घर लग रहे हैं, उसमें वो राशि काम आ जाए। यही उद्देश्य था हमारा कि जो आज़ादी मिली है हमको 75 वर्ष पूर्व, वो बहुत ही कठिन तपस्या और बहुत कठिन संघर्ष के कारण हमारे आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कितने माँ के बेटे शहीद हुए, कितनी बहनों के भाई शहीद हुए, बड़ी मुश्किल से आज़ादी प्राप्त हुई। उस आज़ादी को अमृत महोत्सव के वर्ष महोत्सव पर्व के रूप में पूरे वर्ष से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनके नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हर घर तिरंगा फहराए, ये मुहिम सफल करने की योजना है। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।